हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन का इस सामान्य ज्ञान का जो है सिंगल लाइनर है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा उनको इसका महत्व जरूर पता होगा, कितना बेहतरीन सीरीज है ये। इसमें सामान्य ज्ञान की पूरी श्रृंखला, इसमें क्या क्या हो चुका आपको बता दें। विविध सामान्य ज्ञान हम पहले से कम्प्लीट करा चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं आपको बता दें, लोक जो है शिक्षा, लोक संस्कृति एवं खेल कूद देखेंगे। स्टेप वाइज जो है सभी सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे इसमें अर्थव्यवस्था हुआ, संविधान हुआ, यानी लगभग हफ्ते भर में 10 दिन में सभी मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बने रहें, कोई भी चीज़ें इसमें छोड़ी नहीं जाएंगी, तो आप बने रहें प्यारे साथियों। ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज हम जो है शिक्षा, लोक संस्कृति एवं खेल कूद देखने वाले हैं। आज का सेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। पहले तो प्रमुख भाषाओं के बाद भारत की भारतीय चित्रकला देखेंगे, उसके साथ देखिए हम लिपियाँ देखेंगे भाषाओं की, और उसके साथ भारत की लोक कलाएं कौन कौन सी हैं वो जो लिस्ट देखेंगे पूरा। शास्त्रीय जो है भाषाओं को देखेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, स्थापत्य कला के बारे में भी बात करेंगे, प्रमुख मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे साथ साथ, और उसके बाद प्रमुख मस्जिद जितने भारत में उनकी भी बात करेंगे। और उसके साथ देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, प्रमुख दर्शनीय यानी पर्यटन स्थल देखेंगे। उसके साथ ही हम क्या देखने वाले हैं आपको बता दें, हस्तशिल्प जो है, महापुरुषों के समाधि स्थल भी देखेंगे। बस बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होना है। पूरा सेशन आप देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये किसी भी परीक्षा, चाहे UPP हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम है, सब में इसका बराबर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो है इस पर बहुत समराइज करके चीज़ें दी गई हैं। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। पहला ही आपको दिख रहा है इसमें, दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा जो है संस्कृत से काफ़ी क्या है प्रभावित मानी जाती है। तेलुगु भाषा की लिपि कौन सी दिखेगी, लिपि वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो बंगी लिपि है तेलुगु भाषा की। महाभारत में तेलुगु में जो है अनुवाद जो है नन्नन्या ने जो है नामक विद्वान ने किया था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने, तो नन्ना ने किया था। वहीं तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है, तमिल भाषा के साहित्य को संगम के नाम से जाना जाता है। संगमकालीन पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में। अब बात करते हैं, बोडो जो है असम प्रांत की आधिकारिक भाषा है, जबकि मलयालम कहाँ की है, तो अब बताओ केरल की भाषा है। बोडो कहाँ की, असम की, और डोंगरी कहाँ, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। वहीं मैथिली कहाँ की भाषा है, तो मैथिली जो है बिहार की दूसरी राजभाषा है। पहली कौन सी, तो आप पहली जो उत्तर प्रदेश के किनारे सबकी राजभाषा हिंदी ही है ज़्यादा से ज़्यादा की। करते हैं कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा, जबकि संस्कृत जो है उत्तर कहते उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की दूसरी भाषा है। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, किसको, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट, जबकि हिंदी के बाद जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो हिंदी के बाद आप बताएंगे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, आप बताएंगे बांग्ला है। मेघालय की राजभाषा जो है गारो, जबकि नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो आप बताओगे अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी राजभाषा बांग्ला, जबकि कहा जाए आधिकारिक भाषा हिंदी है, और वहीं जबकि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, बताओ मलयालम है। सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है, नेपाली, जबकि महाराष्ट्र की जो है क्या है, महाराष्ट्र की मराठी, और सिक्किम का आप क्या बताएंगे, नेपाली है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। अब हम लिपियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी, तो आप बताओ ब्राह्मी लिपि क्या है, सबसे प्राचीनतम लिपि है। वहीं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है प्राकृत भाषा के लिए होता है, यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती, कैसे देखो कौन सी लिपि कैसे दाएं से बाएं लिखी, यानी कि यहाँ ऐसे फिर जो है ऐसे दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं ऐसे करते रहते हैं। गुरुमुखी लिपि जो होती है पंजाबी भाषा की लिपि है, जिसका विकास का श्रेय गुरु अंगद जी को जाता है। यह लिपि बाएँ से क्या चलती है, दाएँ की तरफ करती, इधर से ऐसे लिखते हैं ऐसे, हाँ जैसे हम सब हिंदी को क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, हमारी नेपाली मराठी नेपाली संस्कृत जो है ये इनकी लिपियां क्या है, और मराठी की भी जो है लिपि आप बताएं, हिंदी की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। चार भाषाओं की लिपि क्या है बताओ, मराठी नेपाली संस्कृत तथा हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अब वहीं पर बात करते हैं, अरबी उर्दू अरबी फारसी अरबी लिपि का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा किस लिपि का प्रयोग करता है, तो रोमन लिपि का प्रयोग करता है। देखिए लिपियों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, बने रहे हमारे पास साथ।
क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जो है तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सबसे पहला जो है शास्त्रीय भाषा कौन सा है तो आप बताओगे, तमिल है। अब वहीं पर बात करते हैं भारत की दूसरी शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो संस्कृत जो है 2005 में जो है इसको दूसरी भाषा, जबकि 2008 में कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वह तेलुगु को भी उसी साल, जबकि 2013 में मलयालम को, 2014 में जो है उड़िया को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। टोटल याद करें कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो बताऊंगी 6 हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे आपको मिलने वाला भारत की चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, कहा गया है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चित्रकला को चौथा स्थान प्राप्त है। कितना? चित्रकला को चौथा। वहीं पर बात करें मधुबनी शैली जो है का संबंध किससे है, बिहार राज्य से है। वहीं चित्रकला की तंजावुर शैली कहाँ से, तो बताओ मराठा शासकों के संरक्षण से है, विकसित हुई है। ठनी बनी जो है कहाँ, किशनगढ़ की शैली है। किशनगढ़ की शैली क्या है, ठनी बनी है। वहीं महाराज की वर्णी चित्रकारी जो है उड़ीसा के पता चित्रकारी से है। वहीं विश्व प्रसिद्ध है हीर राजा का चित्र जो है शोभा सिंह ने बनाया था। हीर राजा का चित्र किसने बनाया था, बताओ शोभा सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है देखिए, शाहजहाँ को ताज देखना, भारत माता का चित्र, अवनींद्रनाथ ठाकुर का जो चित्र किया गया था। देखिए, भारत माता के चित्र किसने बनाया, अवनींद्रनाथ ने, जबकि शाहजहाँ का ताज के देखते हुए फोटो किसने बनाया, तभी अवनींद्रनाथ जी ने ही बनाया था। अब बात करते हैं गांधी जी का दांडी यात्रा जो है नंदलाल बोस ने, जबकि विश्वामित्र और मेनका का चित्र जो है किसने, रवि वर्मा ने बनाया था। किसने, रवि वर्मा। यामिनी राय, यमन हुसैन, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल का संबंध जो है चित्रकारी से, किससे आप बताएं, चित्रकारी से। मुगल काल की प्रसिद्ध कौन सी, तो बैलगाड़ी चित्र, जबकि चित्रण अबुल हसन ने किया था। काला चाँद जो है चित्र सतीश गुजराल का है। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं जातक ग्रंथों से संबंधित हैं, अंकित है, जिसमें औरत नामक चित्र का जो है चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कितने, ये कहा जाए कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन कितने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब बात करते हैं भारतीय लोक कलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चौक पूरना, सोन रखना, ये लोक कला कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। चौक पूरना और सोन रखना ये कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की है। जबकि मेहंदी जो है लोक कला जो है कहाँ की है, अब बताओ राजस्थान की है। जबकि बात करें रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। अब हालांकि पूरे देश में रंगोली वाला जो चित्रकलाएं चलती हैं लोक कलाएं, लेकिन रंगोली वैसे मुख्यतः महाराष्ट्र की है। अल्पना कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। अल्पना तो कई बार पूछा गया, अल्पना जो लोक कला कहाँ का, तो पश्चिम बंगाल का। वही गोदना कहाँ का है, तो गोदना जो है बिहार का जो है लोक कला है। साथिया कलोटी जो है ये कहाँ का है, से रिलेटेड से, तो बताओ गुजरात से। एपड़ जो है कहाँ से, तो उत्तराखंड। एपड़ कहाँ की लोक कला है, तो बताएंगे उत्तराखंड की। जबकि मुग्गू कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। सतह चित्रकारी का नाम है। इकेबाना फूलों से सजाने वाला जापानी कला क्या है, इके कम देखिए, इकेबाना कई बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ की, तो जापानी कला है फूलों सजानों की। कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश से, जबकि फूलकारी जो है कहाँ से, हरियाणा से। देखिए कलमकारी आंध्र प्रदेश से, फूलकारी कहाँ पर है, तो बताओ हरियाणा से है। अब यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली के बारे में बात करते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर है, बेसर है तथा द्रविड़ शैली। 3 शैलियाँ विकसित हैं। वही नागर शैली उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण शैली कहा जाता है। जबकि बात करते हैं इस शैली से मंदिर आधार से शिखर तक चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की क्या है, द्रविड़ दासी दक्षिण भारतीय आप क्या कर सकते हैं। मंदिर आधार शिखर से जो है अष्टकोण के होते हैं। कैसे, अष्टकोण के बने हैं, तो समझ लो क्या हो जाएंगे, ये जो है द्रविड़ शैली के हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे, गोपुरम को मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कहते हैं मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे, गोपुरम को कहते हैं। बेसर शैली नागर तथा द्रविड़ को मिश्रित रूप है। ये चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इन शैली के मंदिरों का आकार जो है आधार से शिखर तक गोलाकार व अर्ध गोलाकार होता है। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इनके स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हैदराबाद का 4 मीनार जो है दक्कनी शैली से बना है। कौन सी शैली, दक्कनी शैली से। वहाँ महाबलीपुरम का पल्लव शैली जो है से बना है। महाबलीपुरम मंदिर किसे, पल्लव शैली से बने हैं। अब वहीं पर बात करते हैं, भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने प्लडियन शैली का प्रयोग किया था। भारत
में भवनों का निर्माण के लिए पलटियन शैली का, जबकि गिरजाघरों के निर्माण के लिए अरेबियन शैली का प्रयोग किया था। गिरजाघर यानी जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे गिरजाघर होते हैं, गिरजाघरों का के लिए अरेबियन शैली का प्रयोग। गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो आर्सेनिक शैली का प्रयोग हुआ था, इंडो आर्सेनिक। जबकि बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल स्थित विक्टोरिया मेमोरियल जैसा बना हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल भी जो है आर्सेनिक शैली जैसा ही बना हुआ है। अब भारत में प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, जो भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु जी को समर्पित है। भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर किससे है तो आप बताओगे, तिरुपति बालाजी जो है वेंकटेश्वर या विष्णु जी से समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है त्रिवेंद्रम में स्थित जो है देश के सबसे घनी मंदिरों में से एक है, कौन सा, त्रिवेंद्रम पद्मनाभ स्वामी मंदिर। रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु के पल्लव वंश से संबंधित है, जो नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने बनवाया था। किसको, महाबलीपुरम को किसने बनवाया था तो पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। अब बात करते हैं वृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है तो बताओ तंजावुर में, और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर तो अब माँ से मीनाक्षी माँ से मदुरई में है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है दोनों मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है तो आप बताओगे ये उज्जैन में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु मंदिर में है। वही गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर तो श्रवण बेलगोला में, चौमुंड राय ने बनवाया था। नटराज मंदिर जो है चिदंबरम तमिलनाडु में स्थित है। अब वहीं पर बताते हैं हजारा स्वामी मंदिर या बिरुचाक पाँच मंदिर कहाँ पर है तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और वहीं मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में है। देखिए मामा भांजा मंदिर आपको जरूर ध्यान रखा कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वहीं पर कामाख्या देवी मंदिर या नवग्रह मंदिर कहाँ पर है तो असम में स्थित है। और जल मंदिर कहाँ तो पावापुरी बिहार में। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जबकि ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर कहाँ पर है तो आप बताएंगे राजस्थान में पुष्कर मंदिर है। और एक लिंग मंदिर जो है या सास बहु मंदिर कहते हैं राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सास बहु मंदिर कहाँ पर, राजस्थान के उदयपुर में। वहीं मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर तो गुजरात में। जबकि मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, ललितादित्य ने बनवाया था। मारतंड सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर स्क्रीन शॉट ले लें कहाँ पर है मारतंड सूर्य मंदिर तो जम्मू कश्मीर में ललितादित्य ने इसे बनवाया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। जबकि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है तो ये भी जो है गुजरात में ही स्थित है। कांच मंदिर जो इंदौर में है, कांचीपुरम का मंदिर भी इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में। जबकि कदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, दोनों मध्य प्रदेश। कोणार्क मंदिर कहाँ पर तो आप बताओगे उड़ीसा में, जो गंग वंश के जो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। देखिए पूछा गया है कोणार्क देव मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव ने। इसमें कोई चीज़ फर्जी नहीं दिए गए, बहुत समराइज भी में चीज़ें दी गई, कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। प्यारे साथियों तो वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, 20 से 25 मिनट की वीडियो, उसको भी आपको बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से देखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। रघुनाथ मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जबकि लोटस टेम्पल कहाँ पर है तो दिल्ली के वहावी धर्म से संबंधित है। वहीं करणी माता मंदिर जो है चूहो वाला मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान में है। करणी माता मंदिर कौन सा, चूहो वाला मंदिर कहा जाता है, जो कहाँ पर, राजस्थान में। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिरों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन काफ़ी देखे हैं, अब आगे भी हम अभी कुछ मंदिर है उनको देखते हैं। भारतीय जो पुराना वाला संसद भवन था उसका डिजाइन किसने किया था तो आप बताओ कि एडविन लुटियंस ने किया था। अब देखिए कुछ मंदिर हैं अभी भी दिख रहे हैं आपको, बिरुचपाच मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर, इन सबकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिरडी साई बाबा मंदिर जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जबकि लिंगराज मंदिर कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ययात केसरी ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जबकि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर तो आप बताओगे, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में स्थित है। महिलाओं को जाने पर इस पर रोक थी, अभी भी रोक जहाँ तक बनी हुई है। मोठ मस्जिद, मस्जिदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। मोठ मस्जिद जो है ये अटाला मस्जिद आगरा में स्थित है। दोनों मस्जिद कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ही है। अब वहीं पर भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन है तो आप बताओ जामा मस्जिद, सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा, जामा मस्जिद है। अब वहीं पर दिल्ली में से शाहजहाँ ने बनवाया था, जबकि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने, शाहजहाँ ने ही बनवाया था। दोनों का, आगरा वाला जामा मस्जिद, दोनों जगह का निर्माण शाहजहाँ ने करवा। वहीं मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में स्थित है, जो शेर शाही मस्जिद पटना में है। जबकि शेर शाही मस्जिद कहाँ, पटना में है। पत्थर मस्जिद जो है जम्मू कश्मीर में, नूरजहाँ ने बनवाया था। जबकि पत्थर का मस्जिद जो है पटना में है,
पत्थर मस्जिद के नाम पत्थर का मस्जिद जब कहा जाएगा तो पटना में है। सफदरजंग जो है का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। जबकि हजरत बल जो है दरगाह कहाँ? तो श्रीनगर में हजरत बल दरगाह कई बार पूछा गया है। चरार ये शरीफ मस्जिद जो है श्रीनगर में जैनुल आबदीन ने बनवाया था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। वहीं पर मोती मस्जिद जो आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली के औरंगजेब ने बनाया। देखिए मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहाँ ने बनवाया, जबकि दिल्ली वाला औरंगजेब ने बनाया। दोनों में अंतर आपको कर लेना है, दो मोती मस्जिद हैं। अदीना मस्जिद कहाँ? पश्चिम बंगाल में मालदा में है। जबकि नगीना मस्जिद कहाँ पर? तो आगरा में। दोनों अब देखिए प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, इनके बारे में डिस्कस करने की पर्यटन स्थल की बात करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में के औरंगाबाद में स्थित है। जबकि मड़ासन्य राजकुमारी का चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया है। किसमें? मड़ासन्य यानी कि मरी हुई, जैसे लग रहा है कि मरी हुई स्थिति में राजकुमारी का जो है चित्र बनाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कहाँ पर? ये भी औरंगाबाद में ही है। कहाँ? एलोरा तथा अजंता की गुफाएँ। एलिफेंटा की गुफाएँ, कन्हेरी की गुफाएँ, ये दोनों कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जहाज महल कहाँ पर? तो बताओ मालवा में ही स्थित है। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। वहीं पर अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में। जबकि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर? तो बताओ सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। बने रहे प्यार साथियों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है। इत्मीनान से देखते रहें, ईयरफोन ब्लूटूथ जो भी हो आपके पास लगा के अच्छे से बैठ जाएं। बात करते हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर? औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। वही गोल गुंबद जो है बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। जबकि गोलघर पटना कहाँ पर है? आप इसका उत्तर बताएंगे, पटना में है गोलघर। जयसंत पिछोला झील कहाँ पर? तो फतेहपुर सागर। ये सब कहाँ? तो उदयपुर में। निशांत बाग या शालीमार बाग जो है ये भी कहाँ पर? निशांत बाग शालीमार, आप बता देखिए कोई बार पूछा निशांत बाग और शालीमार, ये बताएंगे श्रीनगर में है। सा से शालीमार, सा से कहते हैं श्रीनगर। वहीं रामबाग और आराम बाग दोनों कहाँ पर? रामबाग और आराम बाग दोनों कहाँ पर? तो आ से है आराम बाग, आगरा कर सकती है। राम बाग दोनों रिलेट कर रहे हैं, दोनों आगरा में है। वृंदावन गार्डन कहाँ? मैसूर में स्थित है। हैंगिंग गार्डन ये बताएंगे मुंबई में है। सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप ये कहाँ? विदिशा मध्य प्रदेश, अशोक ने बनवाया था सांची तथा भरौत दोनों का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो आप जयपुर में राजा जो है महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। क्योंकि हावड़ा ब्रिज जो है विधान सागर सेतु कोलकाता में स्थित है। हेलीबीट मैसूर में स्थित है, जिसका पुराना नाम जो है द्वार समुद्र था। हेलीबीट का मैसूर में स्थित, इसका पुराना नाम क्या है? द्वार समुद्र हुआ करता था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराजा कुंभा ने बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई क्या? 37.2 मीटर है। मूसी रानी छतरी अलवर राजस्थान में स्थित है। वहीं अनिरुद्ध का महल जो है ब्यूदी राजस्थान में, पर्यटक स्थल है सभी लोग। शीश महल जो है आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। जबकि सनसेट पॉइंट कहाँ पर? तो आबू राजस्थान में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अब ऊपर स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। वहीं जंतर मंतर का दिल्ली और जयपुर में स्थित है दो जगह। जबकि लाल किला का है दिल्ली के शाहजहाँ ने बनवाया था, जो आगरा के लाल किला अकबर ने बनवाया था। देखिए दिल्ली का किसने? शाहजहाँ ने, और आगरा का किसने? अकबर ने। दोनों नाम आप कर देखिए, आ से आगरा वाला अकबर ने और दिल्ली वाला शाहजहाँ ने, दोनों याद कर लेना। दोनों अलग अलग हैं, यानी दिल्ली के लाल किला कहा जाएगा तभी शाहजहाँ होंगे, और वहीं पर आगरा का होगा तो अकबर होंगे। शांता कुंज मुंबई में, जबकि सारनाथ कहाँ पर है? तो वाराणसी में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा व बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। किसने? अशफाकउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। शांति निकेतन या बेलूर मठ कहाँ पर? तो कोलकाता में स्थित है। जबकि गोलकंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है। जबकि जूनागढ़ का किला कहाँ पर? तो आप तो बीकानेर में स्थित है। रामघाट, फिरोज शाह कोटला व हौज खास कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। जबकि कुतुब मीनार कहाँ पर? दिल्ली में। 72.5 मीटर ऊँचा है। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर की पादरी की हवेली पटना में स्थित है। जबकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी में होता है, अजमेर में स्थित है। विवेकानंद मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है। जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये भी मुंबई में स्थित है। ओदंतपुरी भी बिहार के प्रांत स्थित नालंदा में स्थित है। वहीं बंगाल के पाल नरेश गोपाल ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में,
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने, वहीं गया बिहार जो है फल्गु नदी के तट पर, गया तथा बिहार, गया जो है बिहार के फल्गु नदी किनारे हैं, बने रहे चीज़ें अभी बहुत कुछ मिलने वाली हैं। ये आपको बता दें दो पार्ट में होने वाला है, दो पार्ट में आप पूरा जो है कला और संस्कृति को देख लेंगे। प्यारे साथियों बने रहें। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के निर्माण जो है 1911 में प्रिंस जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। वहीं लाल बाग जो है बेंगलुरु में हैदर अली ने बनवाया था। जगमोहन महल जो है कोटा राजस्थान में स्थित है, जबकि उम्मेद भवन जो है जोधपुर स्थित है, जबकि हिलती मीनारे कहाँ पर, अहमदाबाद में। हिलती मीनारे, उम्मेद भवन कहाँ पर, जोधपुर में, और हिलती मीनारे कहाँ पर, तो अहमदाबाद में। और वहीं पर जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है। लाल बाग आप बताएंगे कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। देखिए एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। धार का किला मध्य प्रदेश में, जबकि भरतपुर और नाहर का गढ़ का किला ये भी जयपुर में ही स्थित है, जयपुर राजस्थान में है। सुख निवास बूंदी में है, जबकि डींग महल कहाँ पर, तो आप बताओगे राजस्थान में। काकरिया झील अहमदाबाद में स्थित है, जबकि सहेलिया की बाड़ी कहाँ, उदयपुर में स्थित है, सहेलिया की बाड़ी उदयपुर में। दिल्ली में अलाई का दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, करवाया था। वहीं मृगनैनी का महल जो है निर्माण ग्वालियर के राजा मान सिंह ने किया था। किशोर सागर कोटा राजस्थान में स्थित है। अन्ना सागर कहाँ, अजमेर में, लूनी नदी के बांध पर बना हुआ, जबकि मरीन बीच जो है चेन्नई में, मरीना बीच कहाँ पर, चेन्नई में है। आगरा का मोती मस्जिद जो है शाहजहाँ ने, तथा दिल्ली का मोती मस्जिद जो है औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है भारत में हस्तशिल्प। भारत में कपास बुनने का स्वदेशी तकनीकी जो है जामदानी है। कौन सा कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक क्या कहलाती है, जामदानी। वहीं पश्चिम बंगाल में जामदानी को साड़िया के साड़ियाँ प्रसिद्ध है, जबकि चंदेरी की सूती जो है साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है सिल्क साड़ियाँ सोने चांदी तथा जो काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। सिल्क साड़ियों में सोने चांदी के जो काम होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मीनाकारी कहा जाता है। तंजौर रेशमी साड़ियों के सोने का काम के लिए विख्यात है, रेशमी साड़ियों में सोने का काम किया जाता है, ये कहाँ पर, तंजौर फेमस है। वस्त्रों को बांध कर रंगे जाने की तकनीक की टाई डाई कहा जाता है, वस्त्रों को बांध कर रंगे जाने की तकनीक को टाई डाई कहा जाता है। अब महापुरुषों के संबंधित जितने जो है संबंधित स्थल हैं उनको जाने, पौनार स्थल किससे संबंधित, आप बताओ विनोबा भावे से, जबकि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, आप बताओ विनोबा भावे ही थे। और वहीं पर बात करते हैं तलवंडी पाकिस्तान में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में। वहीं कटक का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से, जबकि जीरादेही का संबंध किससे, राजेंद्र प्रसाद से। जीरादेही का संबंध किससे है, तो बताओ राजेंद्र प्रसाद। कटक आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था यहाँ पर, और कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र भी है। शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। अब बात करते हैं, जबकि बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से, जबकि वाटरलू जो है वह कोर्सिका का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। मकदोनिया तथा मैसूडोनिया का संबंध जो है सिकंदर महान से है, जबकि ट्रेफलर का संबंध जो है नेंसल से है, एवं त्रिमूर्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है, और चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी का संबंध महाराणा प्रताप से है, चित्तौड़ तथा। नेक्स्ट देखिए भारत में मूर्तिकला, नेक्स्ट हम भारत में मूर्तिकला देखेंगे, भारत में जो है गायन शैलियाँ देखेंगे, और उसके साथ जो है घराने देखेंगे, वाद्य यंत्र देखेंगे, संगीत, ये सब भारत में लोक नृत्य देखें, लोक नृत्य, ये सब चीज़ें जो है सिनेमा जगत, ये सब देखने वाले हैं, बने रहें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।